तो उसको हटाया है एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ये कोई किसी को टारगेट करके या किसी के प्रति कोई गलत भावना से या वर्ग विशेष को लेकर हमने कोई काम नहीं किया है हमारा राज्य तो बहुत ही शांत प्रदेश है और सभी एक दूसरे के साथ बड़े भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक वहाँ पर रहते हैं लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर अतिक्रमण इंक्रोचमेंट ये बहुत बड़ी मात्रा में था और हमारी सरकारी ज़मीनों पर फॉरेस्ट लैंड पर जगह जगह पर तो हमने ये शुरुआत में कहा कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है हम इसके खिलाफ़ एक अतिक्रमण हटाओ इंक्रोचमेंट साफ करो क्लियर करो इसका एक हम पूरा अभियान चलाएंगे और जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है वो खुद ही इसको हटा लें अन्यथा हम इसको हटाएंगे प्रशासन हटाएगा कुछ लोगों ने हटाया भी जिन्होंने नहीं हटाया तो हमने उस इंक्रोचमेंट को हटाया है और सरकारी जो ज़मीन थी लैंड थी उसको खाली करवाने का काम किया है सत्ताईस एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन तो केवल फॉरेस्ट की खाली हुई है और ये खाली होगी और इसके पीछे देखे हमारा हेतु है कि उत्तराखंड देवभूमि है और पूरी दुनिया के लोगों की आस्था है उत्तराखंड में देश दुनिया के लोग आते हैं और देवभूमि का एक अपना स्वरूप है वो स्वरूप सुंदर स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप देव स्वरूप वो बना रहना चाहिए और इसीलिए ये अभियान चलाया और अभियान ये रुकने वाला नहीं है अभियान आगे भी चलेगा अभी हमने पिछले दिनों बरसात के कारण से और अति मानसून के कारण से कुछ उसको वो धीमा हुआ था क्योंकि हमारे प्रशासन के लोग आपदा के काम में राहत के कामों में लगे हुए थे तो इसके बाद फिर से उस काम को आगे बढ़ाएंगे तो ये आपने कहा कि ये किसी भी एक समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जहाँ पर भी बुलडोज़र चलते हैं जहाँ पर भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो हटाया जाता है चाहे असम में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो जहाँ जहाँ पर भी होता है ये बाहरी लोगों को बाहर रखने के लिए होता है कि बाहर से कोई ना आए ज़मीन ना ख़रीदे क्या ये उत्तराखंडी और बाहरी ऐसे लोगों में आप डिविजन uh, देख रहे हैं यहाँ देखिए उत्तराखंड के अंदर पिछले सालों में तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए हमने वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाने का निर्णय लिया है साथ में जो इंक्रोचमेंट हैं जो हमारे नदी के किनारे हैं नाले हैं यानी को फॉरेस्ट लैंड है सरकारी लैंड है वहाँ पर जो अवैध रूप से आ गए हैं और दूसरा यह है कि बाहर से लोग आ जाते हैं और उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है किसी का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री निकलती है कोई संदिग्ध पाए जाते हैं बाद में कोई वारदात करते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड बहुत शांतिप्रिय है वहाँ की अपनी एक रहन सहन की पद्धति है जीवन की अलग पद्धतियाँ हैं शांति से रहने वाले लोग हैं तो वो स्वरूप लोग ऐसा मन में लेकर आते हैं और हमारे यहाँ पूरे देश दुनिया का पर्यटक भी आता है चार धाम यात्री भी आते हैं लोग आस्था से भी आते हैं श्रद्धा से भी आते हैं और कहीं ना कहीं अपनी छुट्टियों में भी आते हैं तो उनके मन में एक उत्तराखंड को लेकर कल्पना होती है कि हम देवभूमि में जा रहे हैं तो देवभूमि में जगह जगह इंक्रोचमेंट हो जगह जगह इस प्रकार की चीज़ें हों जगह जगह जो है संदिग्ध लोग पाए जाएं जो कोई वारदात कर जाए तो ये किसी कीमत पर भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है उत्तराखंड के लोगों को भी नहीं लगता देश दुनिया के लोगों को भी नहीं लगता इसलिए पर वेरिफिकेशन कैसे होगी मतलब अगर कोई से तेलंगाना से कोई आ जाए जमीन खरीदना चाहे घर बसाना चाहे अपने बच्चों को वहां स्कूल भेजना चाहे तो, तो वो रहते हैं जी वो रह सकते वैसा कोई हैं। रहते हैं तो फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा मतलब दिल्ली में भी तो लोग आते हैं मुंबई में भी आते हैं पर उनका वेरिफिकेशन तो नहीं होता नहीं पुलिस तो पुलिस उनकी जांच करती है कि आखिर कहां से आए हैं अचानक कैसे आकर बस गए आखिर क्या पिछले का इतिहास क्या रहा है पर क्यों? सब, अब हमारे राज्य में इसकी जरूरत है चूँकि इस प्रकार की कई सारी घटनाएँ बीच हुँ. में घटित हुई हैं कई बार ऐसे लोग रहे हैं जिनके बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री पाई गई है हाँ, क्रिमिनल तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई और कर... हमने ये इसीलिए कराया कि अगर कोई जमीन खरीदेगा तो उसका हम सारा वेरिफिकेशन देखेंगे और ये हमारे राज्य में समय समय पर लोग इसके लिए आवाज भी उठाते रहे तो क्रिमिनल मतलब अगर कोई जमीन खरीदना चाहता है भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी आ जाए उसके उसका सिर्फ क्रिमिनल हिस्ट्री जांचा जाएगा है ना देखेंगे जी उसके लिए जो है अभी हम लोग एक हमने भू कानून के लिए वहां के लिए एक समिति भी बनाई थी उस समिति ने भी हमको कुछ अपनी सिफारिशें दी हैं अपने सुझाव दिए हैं कि सिर्फ मूलवासी खरीद सकते हैं आ, नहीं नहीं मूलवासी से मतलब नहीं है उसमें कुछ प्रावधान किया गया था पहले 250 मीटर तक खरीदने की परमिशन थी उसमें 250 मीटर मतलब किसके करीब मंदिर के करीब नहीं, नहीं नहीं जमीन अपना घर बना अच्छा घर बनाने अच्छा ढाई मीटर जमीन ओके हाँ। क्योंकि तो जमीन कम है जमीन कम है उत्तराखंड में चुकी हमारे पास बहुत ज्यादा लैंड नहीं है हाँ। क्यूँकी सत्तर आप कह रहे हैं, हैं फॉरेस्ट लैंड है।, है तो प्रतिशत और उसमें पहाड़ पहाड़ भी भी, भी, है भी है पहाड़ बहुत है और कम भूमि है इस नाते इस नाते तो रिस्ट्रिक्टेड परचेज ऑफ लैंड होगा फिर हाँ निश्चित रूप से उसका आकलन करेंगे और दोनों प्रकार की चीजें है देखे ऐसा है की एक तरफ तो हम इस बारे में सख्ती से इस पर विचार कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ हमने बड़ा लैंड बैंक भी एक बनाया है लैंड बैंक लैंड बैंक बनाया है जो हमारे यहाँ पर आ, इंडस्ट्री के लिए हाँ जी और वो हमने लगभग छह हजार एकड़ का लैंड बैंक है हमारे नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री पूरा हाँ पोल्यूटिंग नॉन पोल्यूटिंग जो भी हमारा इंडस्ट्री का जो सेक्टर है उसके लिए और उसके लिए हम निवेशकों को भी लगातार उनके लिए हमने नीतियाँ भी बनाई हैं कई सारे एम से लेकर इंडस्ट्री की पॉलिसी नहीं लाए हैं एम की पॉलिसी लाए हैं हाइड्रो के क्षेत्र में पॉलिसी लाए हैं टूरिज्म के लिए हम नई पॉलिसी लाए हैं सोलर एनर्जी के लिए भी नई पॉलिसी लाए हैं सब ये इसीलिए लाए हैं कि क्योंकि एक निवेशकों के लिए भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी उत्तराखंड एक अच्छा डेस्टिनेशन है और अच्छी जगह है और लोग बड़ी बड़ी संख्या में वहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं आ रहे हैं और पर उनको... पर पहले ऐसे नहीं होता था क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं इस एरिया में उत्तराखंड हो जाए हिमाचल हो जाए और ऑल द वे टू सिक्किम असम इन सब एरिया में जो बच्चे पढ़ लिख के कॉलेज वगैरह कर लेते हैं फिर वो दे कम टू उत्तर प्रदेश दे कम टू दिल्ली मध्य प्रदेश क्योंकि वहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिलती थी लेकिन अब अगर इंडस्ट्री खुलेगी तो नौकरियाँ भी निश्चित रूप से देखिए अगर ज़्यादा इंडस्ट्री खुलेंगी अच्छी इंडस्ट्री खुलेंगी तो कहीं ना कहीं वो हमारी ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे और साथ में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे जी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा घर के पास मिलेगा ये आपका एक इज इट वन ऑफ योर गोल्स कि घर के पास मिलना चाहिए इसी राज्य में मिलना चाहिए उन लोगों के लिए जो यहीं से पढ़ लिख के बाहर निकले निश्चित रूप से निश्चित रूप से उनको अपने घर के पास मिलना चाहिए और उससे क्या है कि इंडस्ट्री खुलती है तो बहुत प्रकार का रोग रोजगार जनरेट करती है जी रोजगार के रूप में भी करती है और लोगों के रॉ मटेरियल्स खरीदे जाते हैं आसपास की चीज़ें चलती हैं और बहुत प्रकार का रेवेन्यू बढ़ता है हर तरीके से अखबारों में आया है कि आप दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी मीटिंग्स चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री के साथ की यूसीसी uh, जो है उसके बारे में धर्म परिवर्तन के बारे में uh, उन सब के बारे में आपकी मीटिंग्स चल रही हैं क्या ये सही है इज अ शॉर्ट प्राइमर ऑन द यू सी सी द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज स्टिल नॉट अ लॉ द यू सी सी एम्स टू एनफोर्स अ यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क टू ऑल सिटीजन इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन राइट नाउ मैटर्स ऑफ मैरिज डिवोर्स एंड सक्सेशन आर गवर्न बाई रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज इन इंडिया Implementation of a uniform civil code across the country is one of the promises that the BJP has made, but it's not yet made it a law, though it has the numbers in Parliament. The UCC was proposed twice in November 2019 and March 2020, but was withdrawn before introduction in Parliament. Many Muslim religious and social organisations and some in the Northeast do not favour the UCC. The opposition is also divided on the issue. नहीं नहीं धर्मांतरण पर तो हम पहले ही कानून हमने बना दिया है हम धर्मांतरण का विधेयक हमने विधानसभा में पारित कर दिया और इसमें हमने आ, दस साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया जबरदस्ती कोई भी अगर धर्मांतरण करवाएगा क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर ये बात आई थी कि हमारे यहाँ पर प्रलोभन देकर टरा कर धमका कर, कर मनगणन बातें करके सीधे साधे लोगों को धर्मांतरण करवाया जा रहा था तेजी से और ये एक बड़ी समस्या हमारे लिए बन गया था इसलिए हमने उस पर सख्त कानून बनाया है और जहां तक यूसीसी का जो है वो वो एक प्रोटोटाइप लेके बाकी राज्यों में भी हो रहा है कि ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो उत्तराखंड में हुआ है वही हम लोग भी उसको कॉपी करेंगे उसी को हम ले आएंगे क्योंकि आपका बहुत स्ट्रिक्ट कानून है वो जी उसमें दस साल तक की सजा का हमने प्रावधान किया है जिला अधिकारी से उसकी परमिशन लेनी होगी पहले ऐसे अनेकों प्रावधान उसमें किए हुए हैं तो उसके कारण से धर्मांतरण रुकेगा और कोई भी अच्छा कानून है तो उस सभी जगह लागू होना चाहिए इसी प्रकार से हम चीटिंग लॉ भी यहाँ लाए और नकल विरोधी कानून वह भी हमने पारित किया है उसमें भी हमने जो है दस साल तक की सजा का प्रावधान किया है और जो इसमें जो जो पूरे गैंग के रूप में या मास्टर माइंड के रूप में जो लोग नकल करवाने वाले थे अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनकी सारी संपत्ति को जब्त करने का भी उसमें प्रावधान किया ये काफ़ी सालों तक ये दिक्कत रही है कि ये जो कॉपिंग का जो सिस्टम चलता था इसमें माफिया भी इन्वॉल्व थे नेता भी इन्वॉल्व हैं उसमें तो आप ये कॉपिंग लॉ जो लेके आए हैं एंटी कॉपिंग लॉ इससे आपकी पॉपुलैरिटी को कोई असर नहीं पड़ेगा देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो समाज के लिए और भविष्य के लिए करने होते हैं निश्चित रूप से परेशानी आई इसमें शुरुआती दिनों में ये कठिन काम था क्योंकि एक दशक से भी ज़्यादा दस बारह पंद्रह सालों से ये काम लगातार हो रहा था ये एक तरह से अपराध हो रहा था कि कहीं पेपर लीक हो रहे थे कहीं पेन ड्राइव पर नकल हो रही थी Uh, कहीं क्वेश्चन बैंक लीक हो जा रहा था और जो मेहनत करने वाले छात्र थे छात्राएं थी हमारे भाई बहन थे जी। उनका हक मारा जा रहा था और हमारे जैसे राज्य में अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए उनकी तैयारी करवाने के लिए बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो सब्जियाँ बेचते हैं दूध बेचते हैं घी बेचते हैं घर का छोटी मोटी आमदनी से दुकानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कर्जा लेकर भेजते हैं कोई गहने गिरवी रखते हैं तब बच्चों को भेजते हैं तो जब उनके बच्चे मेहनत करने के बाद भी परीक्षाओं में पास नहीं होते थे उत्तीर्ण नहीं होते थे उनका नंबर नहीं आता था तो वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते थे उनके अंदर कहीं ना कहीं निराशा का भाव भी आता था और मेरे सामने जब ये प्रकरण आया कि इस प्रकार से नकल हो रही है कुछ छात्र आए थे उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उसकी जांच करवाई आप भी तो राज्य से ही पढ़े हैं आप आप बाहर जाके नहीं पड़े आप भी छोटे से गांव में पड़े हैं आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा ना ये निश्चित रूप से तब मुझे लगा कि इसकी मुझे जांच करवानी चाहिए और मैंने जब जांच करवाई तो प्रारंभिक रूप से मुझे लगा कि नकल हो ही रही है और इसके बाद हमने पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा उस कार्रवाई का असर हुआ कि अस्सी लोग इसमें पकड़े गए अस्सी लोग जेल की सलाखों के पीछे चले गए और ये जेल की सलाखों के पीछे चले गए लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फिर से प्रयास होता रहा किसी न किसी रूप में इसलिए हमने कहा कि हम इस पर एक सख्त कानून बनाएंगे सभी राज्यों का भी अन्य जगह का भी हमने अध्ययन किया सभी जगह के मगाए और उसके बाद जो सबसे सख्त कानून हो सकता था वो हम इसमें लेकर आए जिसमें हमने 10 साल तक की कैद का भी जो है प्रावधान कर दिया और कोई भी जो इस रैकेट में पकड़ा जाएगा यानी कोई छात्र हो छात्रा हो अगर वो नकल आ, करने वालों में या उससे कहीं संबंधित पाया जाएगा तो पहली बार पकड़े जाने में तीन साल का उनको जो है किसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं होगा दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो सात साल तक फिर किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे तो उसके कारण से ये हुआ कि एकदम से परीक्षाएं जो बिना नकल के होनी शुरू हो गई और इसके कारण से अब क्या हो रहा है कि जो भी छात्र या छात्रा एक परीक्षा में पास होते हैं वो तीन तीन परीक्षाओं में एक साथ पास हो रहे हैं यानी कि अब उसका जो असर है अब लोगों के सामने आ रहा है और मैं सच बताऊं तो उस समय जरूर परेशानी थी जैसा आपने कहा कि परेशानी हुई होगी वास्तव में परेशानी थी बड़ी चुनौती थी एक चूंकि ये मकड़जाल था इस मकड़ जाल से बाहर निकलना बड़ा कठिन काम था लेकिन हमने निर्णय लिया क्योंकि हमको पता था कि ये हमारे आने वाले भविष्य हमारे बच्चे हमारे बेटे बेटियाँ भाई बहन इनके भविष्य का प्रश्न है इसलिए इसमें हम रुक नहीं सकते हैं जी। और ये कठिन फैसला हमने लिया उसका परिणाम आज सुखद रूप में जो है हमारे सामने आ रहा है कि पाँच लाख से भी ज़्यादा परीक्षार्थियों ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग ले लिया और भाग ही नहीं लिया अब ऐसे ऐसे माँ बाप मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि नहीं आपने ये कानून बनाया जिसके कारण से हमारे बच्चे अब सेलेक्ट हो गए पहले सेलेक्ट नहीं हो रहे थे बहुत परीक्षाओं में भाग ले रहे थे लेकिन वो उनका नंबर नहीं आता था अब सबका नंबर आ रहा है तो कठिन लॉज तो एक तो ये था एंटी कॉपिंग और दूसरा एंटी कन्वर्जन जो आप कह रहे हैं हाँ तो और आपके राज्य में फोर्टीन परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है शायद 13 या थर्टीन या फोर्टीन परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है तो आ, आप ये एक और आ, बात जब उठती है तो लव जिहाद का मसला भी उठता है मैंने आ, योगी जी से भी इसके बारे में बात की थी लव और शिवराज जी से भी बात की थी लव जिहाद को लेकर आपके क्या विचार हैं नहीं देखिए आ... ये घटनाएं लगातार आती रहती हैं और आती रही थी पहले भी होता रहा होगा लेकिन पहले लोग इसके लिए बोलते नहीं थे कहीं ना कहीं कही उनको ये होता था कि बदनामी होगी या अपने आप को बचाने के लिए किसी प्रकार से लोग जो है इसको उजागर नहीं करते थे लेकिन हमने कहा कि नहीं ये तो हमारी बहन बेटियों का सवाल है उनके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए उनके साथ किसी प्रकार की इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और कोई भी कारवा कोई भी अगर ऐसा मामला आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और हमने इस पर कार्रवाई की है और बहुत कठोर कार्रवाई की है जहाँ पर भी ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ जबरन होता है जहाँ जबरन होता है जी क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज जस्ट अ वे कि uh, लव जिहाद का नाम देके जो भी अपने मर्जी से शादी करना चाहता है वो परिवार वाले जो हैं लव जिहाद का नाम देके उस उस रिश्ते को तोड़ देते हैं और शादी नहीं करने देते नहीं देखिए ऐसे बहुत सारे प्रकरण आए हैं जहाँ पर धोखाधड़ी से नाम बदल कर अपनी असली पहचान बताकर गलत सलत चीजें मन बातें बताकर इस प्रकार से जो बहुत सारी बहनों को अपने उसमें लोग ले लेते हैं और उसके कारण से पूरा जीवन उनका तबाह हो जाता है तो ऐसी घटनाएं जब सामने आई हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है हमने कार्रवाई करेंगे सब। एक तो जब लव जिहाद के के ऊपर एक वो और दूसरा जो ये वेरिफिकेशन ड्राइव है इसकी वजह से कुछ एक दो गांव हैं जहां पर पोस्टर आए थे मई के महीने में उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ कि वो आप निकल जाओ उत्तराखंड से तो उसको लेकर भी मुसलमान जो कम्युनिटी है समुदाय है थोड़ा डर बैठ गया है कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है देवभूमि को हिंदू लेबोरेटरी या हिंदू राष्ट्र बना का एक आ, लेबोरेटरी है मैंने, ये मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि उत्तराखंड के अंदर आ, कानून व्यवस्था बिगड़े जैसी कोई चीज नहीं है आपस में बेमिनस्य हो ऐसा भी कोई प्रकरण नहीं है आपस में बहुत प्रेम प्रेम पूर्वक आपस में सभी लोग रहते हैं किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की चीजें नहीं है लेकिन वो जो आप पोस्टर की बात कर रही हैं वो पुरोला में एक घटना आई थी और स्वतः स्पूर्त वहाँ पर इस प्रकार की चीज हुई लेकिन हमने वहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी लेकिन साथ में हमने ये भी कहा कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार का इस ये धोखा नहीं होने देंगे ये धोखा है और उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं होने देंगे ये मेरी भी जिम्मेदारी है और उत्तराखंड के लोगों की जिम्मेदारी है देश के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए जी आप आ, क्योंकि तेरह चौदह परसेंट मुसलमान हैं आपके राज्य में तो आप आ, क्या एश्योरेंस दे सकते हैं कि आ, ये जो आ, आर्टिकल्स निकल रहे हैं पेपर्स में जो कि हिंदू लेबोरेटरी बन रहा है हिंदू राष्ट्र का एक आ, सिंबल बन रहा है ये सब आ, मतलब उत्तराखंड में नहीं होने वाला इट्स नॉट देर इज़ नो थिंग uh, आप एश्योरेंस दे सकते हैं कोई घटना है? ऐसी नहीं है जहाँ पर किसी समुदाय विशेष को कहीं पर टारगेट किया गया हो किसी प्रकार से किसी को हानि पहुंचाई गई हो कानून व्यवस्था बनी रहे उसके लिए हर प्रकार से काम होगा किसी को कहीं पर घबराने की आवश्यकता नहीं है जो देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत का संविधान है उसको हम लोग मानने वाले लोग हैं तो उत्तराखंड माइक्रो मॉडल नहीं है हिंदू राष्ट्र का देखिए मैंने कहा कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े इसकी जिम्मेदारी मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी है हर उत्तराखंड वासी की है और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो देवभूमि है वो बनी रहनी चाहिए तो मूल स्वरूप में सबका साथ सबका विकास भी होगा हाँ निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जो स्कीम आ रही है आज देश की हो चाहे प्रदेश की हो किसी एक वर्ग के लिए कहीं नहीं बनाई गई है मोदी जी का तो हमारे यही है उन्होंने जो देश के अंदर काम किया है हर वर्ग के लिए किया है आप देखिए जो इंडिया ग्रुपिंग बनी है वो सब तो यही कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ मुंह बोली बात है आ, असल, असल में ऐसे आज, नहीं है देखिए आज अगर आपको दिखेंगे तो आज उज्ज्वला गैस के कनेक्शन किसी को इस आधार पर नहीं दी गई कि कौन किस संप्रदाय का है जी आज हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना किसी एक उसको ध्यान में रख के नहीं की कि गई किस संप्रदाय का है अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें हम मेरे राज्य में भी सात लाख से ज़्यादा लोगों ने उससे अभी तक अपना इलाज करवा लिया है तो वहाँ भी सात लाख से ज़्यादा लोग इसके लाभार्थी अभी तक बन चुके हैं जनधन खाते खुले हैं वो किसी को देख नहीं खुले हैं कि कौन किस समुदाय से संपर्क संबंध रखता है अभी अभी जो कोरोना महामारी में देश के अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना चली है गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2000 से चल रही है और अभी भी चल रही है जिसमें पर यूनिट जो है हर किसी को अन्न देने का काम हो रहा है उस योजना में किसी को नहीं पूछा जा रहा है कि तुम कौन से उसमें हो कोरोना की वैक्सीन लगाई हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों ने उसको भरवाने का काम किया कि बीजेपी वैक्सीन है हाँ लेकिन बाद में सबने लगाई और वो लोग थे जो स्वयं चुपचाप तो वैक्सीन लगा ले रहे थे और बाहर से लोगों को जो है कह रहे थे कि वैक्सीन मत लगाओ आज देश के अंदर देखे सामान्य स्थिति हुई और ये किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रख के नहीं हुआ है कोई काम नहीं हुआ है और ये कोई एक जो आ, ये हमारा वाक्य है घोष वाक्य जिसको कह रहे हैं आप सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास तो कहीं ना कहीं ये चरितार्थ हुआ है और समाज के हर वर्ग को सभी योजनाओं का लाभ मिला है क्या इसी वजह से वो जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी कहते थे ना हिमाचल उत्तराखंड के बारे में कि एवरी फाइव इयर्स सरकार बदल जाती है लेकिन वो रिवॉल्विंग डोर हुआ नहीं क्योंकि लाभार्थियों को जो बेनिफिट्स मिले हैं उसकी वजह से आप जीते हैं निश्चित रूप से देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रिश्ता है उत्तराखंड के साथ वो एक बड़ा मैं कहूँ कि कर्म का भी है और मर्म का भी है और उत्तराखंड के लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं उनकी पॉलिसी उन्होंने डेढ़ लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत करी हैं और भाजपा का जो और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम हैं सबका साथ सबका विकास सामूहिक रूप से जो काम हुए हैं वो एक बड़ा कारण था कि जब से वो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में जब से उनको आ, लाया गया चौदह में भी हमारे यहाँ से पांचों लोकसभा की सीटें जीती 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ उस चुनाव में भी हमने आ, बड़ी प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार बनी 2019 में फिर पांचों सीटें जीते और 2014 से ज़्यादा मतों से जीते और 2022 में चूँकि ये बड़ा आ, एक वो था राज्य के अंदर की एक मिथक था जब से राज्य बना कि एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बनती है हर चुनाव में सरकार बदल जाती है पहली बार उत्तराखंड के लोगों ने जो है एक मिथक तोड़ा एक इतिहास बनाया और एक परिपाटी को समाप्त किया और किसी राजनीतिक दल को दूसरी बार भी सरकार का अवसर प्रदान किया तो कहीं ना कहीं उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि जीतने वाले नहीं है क्योंकि आप बने ही थे उस वक्त आ, मुख्यमंत्री तो आपके सामने क्या चैलेंज था कि कैसे जीतेंगे क्या करेंगे थोड़ा सा नहीं मैं, था। नहीं, नहीं मैं चूंकि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता